अबे जी तबीयत जे ना आज फिर काफी सारी खराब है। एक साइड तो मैं फाड़ लेनी हूँ क्योंकि जा फिर लिबी जिन मुंह आता। माशाल्लाह सोने मेरे अल्लाह सुबह हो चुकी नाश्ता बच्चे ने कराक दे रही साल दे सरकार रात दा ही ला के जेना रख दिता तो फिर अली लैत आया सानू नाल लेकिन दात्री जेड़ी ना हिक्का ही चोक लिया कह रहा मैं याद ही कोई रहा चल मैनू है गया भी तुसी जेना मैं वड्डी जावांगा तुसी जेना छेल बना। माशाल्लाह सोने मेरे अल्लाह सुबह हो चुकी नाश्ता बच्चे ने कराक दे रही साग दे सड़का रात दा ही ला के जेना रख दिता तो दोबारा जेना सिर्फ गर्म किया सारे बच्चे जेना इतने साग उत्ते रख के जेना खा रहे ने सवेरा रोज मम्मा सैन की रोटी जेना आली तैयार हुई फुलकी आ ते तवा जेना साडा बिल्कुल खराब हो गया बिलो दी अम्मी को तवा जेना चुक लिया क्योंकि साढ़े तवे थले वाली साइड काफ़ी सारिया समझ लो जेना मोरियां नहीं हो गई तो असं आख जेना अज लै आवेंगे तवा जेना नवा क्योंकि रात को बना रहे से रोटियां तो बिल्कुल सारिया रोटियां खराब हो गई थले वाली साइड तो दोवें दोवें जेना बन गया। माशाल्लाह मम्मा सैन की रोटी बिल्कुल तैयार हो गई कमजोरी अबे जी दिन ब दिन बहुत ज्यादा होंगी जा रही है। अल्लाह पाक जेना खैर करे सारे बहनों की दुआ करनी है बस जल्दी न सेहत मंद हो जाना पहला तरह क्योंकि वड्डियां दियां घरां जेना काफ़ी सारिया बरकत होंदियां ने अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे सारे बैठ भी दुआ करे अल्लाह पाक उन्हें जिस तरह अगे हैगा सी चलो मंजे तो बैठा होंदा सी आपे ही समझ लो टोर फिर लैंदा सी तो हुण बिल्कुल जेना आप दे आप उस जेना टुरिया ही नहीं जाता तो अल्लाह पाक उन्हें जेना जिंदगी देवे अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे पहला तरह बिल्कुल जेना तंदुरुस्त ठीक ठाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया मेरे खुश रहो वाद रहो हमेशा से मुस्कुराते रहो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ मिल करनी किन्ने मेरे बहन भैन बिल्कुल ठीक ठाक करे तो उसने ताज का इलाज शुरू करने सब तो पहले सारे बहन भैन सुबह खैर अल्लाह पाक आन तंदुरुस्ती सेहत देवे या फिर जेना बेले गए हुए हैं तो चिड़िया जेना वो सामने जेना बैठी हुई ने सवेरा ने झाड़ू वगैरह ला लिया हूँ जेना सवेरा दो रही बर्तन समझ लो मैं बिल्कुल हैगी हाँ विलाग ही बनानी है जिन्हें दिन समझ लो बच्चिया घर है अज इन्होंने स्कूल नहीं जाना सुबह जाना क्योंकि सवेरा दी टीचर ले कॉल करके देखी सुनिया कि अज इन्ना साफ सफाइया सिर्फ जेना स्कूल दी होनी स्कूल अज तो समझ लो खुल गए लेकिन तुम बच्चों कल तो जेना भेजना क्योंकि कल तो समझ लो अच्छे तरीके जेना स्कूल बिल्कुल हो जाने अज सारा दिन साफ सफाई है जेना सारा कुछ जेना होना सुबह इंशाल्लाह जेना स्कूल बच्चों तुम भेज दिया तो अज बच्चों भी आख्या मम्मा साहब ने कहा तुम जेना बाल बूल जेना वो कटा लो तो सारे बाकी वर्दियां वर्दियां सारिया जो इसी करके सवेरा ने पहला दी रखी हुई ने सारा इंतजाम हो बस जेना सुबह इंशाल्लाह बच्चे जेना जान के स्कूल बहुत खुशी की गल आ क्योंकि अगर छुट्टियां वधिया सी लेकिन समझ लो उन्होंने कहा भी अगर सर्दी की पारो छुट्टियां मजीद होर की जाइए मजीद अगे सर्दी जेना होर वधनिया इस गल जेना छुट्टियां बिल्कुल जेना इतने खत्म कर दी ने बच्चों के क्योंकि अगर पेपर आ रहे हैं फिर पढ़ाई काफ़ी सारा जेना नुकसान हो रहा है इस गल जेना छुट्टियां बिल्कुल खत्म हो गई सुबह लोग बच्चे जेना स्कूल जाएंगे चलने चल के जेना अबे जी का पता दो छापर जेना मिले ने दो छापर जेने उत्ते पा दिते कह रहे अम्मी जेना बच्चा दो जैसी बाकी उन्हें दो तीन चार जेना इंशाल्लाह जरूर छापर इस तरह के कोई लभने लभ के जेना उत्ते जेना पा दें अग उग जेना उद्दे बाली हुई अबे जी को क्योंकि सर्दी जेना बिल्कुल अज जेना बहुत ज़्यादा बिलो दी अम्मी ने अगले पट्ठे जेना पा दिते ने कट्टी अगू जेना पट्ठे पैने उन्होंने जेना पट्ठे पा दिते ने कट्टी अगे जेना कुतरा रखे होया तो डर रही है भी मैं जेना कुछ कान कुछ नहीं करनी है माशाल्लाह बिल्कुल छोटी जी है हवा जेना चली हुई है सर्दी तो लगती है लेकिन इतों जेना थान जेना खुश्क किया हो सैड लैन करके थले वाली साइड जेना वो दीती ने मट्टी जेना खाँदी है तां दी पर इंदे अगे कुतरा बाई और जेना रखिया आले भी माशाल्लाह डंगर जेना आ रहे ने मझा कुतरा ये मझा बिल्कुल जेना नहीं मार दर खुश हो और वाली कावड़ आँदी आ सिर्फ अपनी जेना कट्टी दी पारो या फिर आख्या भी तुम जेना रेहड़ी खोती जेना जो लो रेहड़ी जेना काट के रख दी इतने जेना इंज करके तो खोती जेना या फिर लै आंदा ना जो के मम्मा साहब ने आख्या भी तुम जेना चलो
क्योंकि आप रख जेड़ना बना लें छेल क्योंकि लेट हो गई अब्बे जी दे पारो जेड़ना फिर जल्दी नमन मार फिर रेहड़ी जो लेंदा फिर जेड़ना चलने आज बाहरली साइड लाद बैन भाई खेत वगैरह भी दिखावांगे। हाँ लेट हो गया काफी सारी चलो कोई नी तां पर मैं हाँ थोड़ी बहुत तां क्योंकि एक समुलो जेड़ा ना दिन की वादू बना के जेड़ना रखनी चाहिए मौसम अगे अगे जेड़ना और मजीद जेड़ना खराब हो रहे जिनी की बन गई चलो बना के जेड़ना आज सा वापस काफी दिन बाद बाकी जेड़ना दुंद भी आना फुहार जी जाफर अली कि सामने जेड़ना लग रही है सामने साडा गांव आ माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है सर्दी जेड़ना मजीद दिन ब दिन होर जेड़ना समुलहान जी वधी जांदी आ घटी बिल्कुल जेड़ना कोई नहीं है ओ नगरा साइड विचली साइड तो जेड़ना सड़क आ उस सड़क ते जेड़ना इंज करके जावांगे उत्थे जेड़ना बाइक उठां ला लईए ओही जेड़ना बना लवांगे ते आले थल्ले आले जेड़ना मटा रह गए ने सामने आले इतों जेड़ना सामने टांड लई हुई है कुछ आ लोग आपो अपनी जेड़ना बना रहे ने इतों जेड़ना मुल लई है 6000 तू एक नाल मिली है मेरी दिल पहले पट्ठे वाल लेने तुते जेड़ा मो टांड रा चलो ठीक हो गया नहीं का आगे तुसी वेखो रेड़ियां खोतियां जेड़ना खड़ियां हुई ने किन्ना ने आके जेड़ना बनानियां ओ सामने जेड़ना कुछ बना रहे ने क्योंकि सर्दियां दी छेल जेड़ना मुल विकदी आ ते गर्मियां ही समझ लो मिनटां नाल बंदे कहंदे ने भी साडी जेड़ी जल्दी जल्दी जेड़ना हाँ जमीन खाली हो जाए इत्थों जेड़ा ना खाला ते बहुत समझ लो मुश्किल नाल जेड़ा अगली साइड ते रेड़ी गई आ असी जेड़ा सारे टोटली लै गए जा फिर लई आउण जेड़ा उत्ते चढ़िया पट्ठे उत्थों ही वड्डो जिथों अगले दिन हाँ जी सिंबलां जेड़ा मार्शलां दी करके हाँ जी ज्यादा मजीद जेड़ा विचली सड़क ज्यादा खूबसूरत जेड़ा लगनी सी सैडल जिन गंदम बीजी हुई है सैडल ही गंदम गंदम की फसल है सारी मम्मा सैन काफी सारी आ अल्लाह पाक का शुक्र आ क्योंकि गंदम अपन पठ्ठे की जिन कमी महसूस हाँ जी कोई नहीं आप मुल लेने होंगे ने लै लैने ओ भाई दूसरा ही कह रहा क्योंकि पैसे होने ना तो पठ्ठे जेड़ना वो तो मुल बिल्कुल जेड़ना मिलते ही रहते हैं पैसे नगद होवन ना क्योंकि ज्यादातर पैसे नगजा वाले होंगे ने कहते भी सू जेड़ना जरूरत असी जेड़ना बेचना तो कोई ना अजय थोड़ी जेड़ना थोड़े बहुत बिल्कुल बेच दे हाँ जी क्योंकि हूँ भाई को नहीं पुछे कह रहा है 14000 रुपया एक कनाल का किधरे 12000 आ कनाल का पठिया का तो किधरे जेड़ना 14000 तो छेल का 6000 रुपया जेड़ा ना वो असी जेड़ना लई आ कनाल उनका 6000 रुपया अजे थोड़ी जेड़ना 2000 उन्होंने एडवांस दिता तो बाकी उन्हें 4000 अजक जरूर जेड़ना मंगेगा भी तुम जेड़ना हूँ वाड़ रहे हो तो मैंने जेड़ना बाकी दे दौ भाई और जेड़ना मक्की आ किसे दी आ ये नहीं बई जेड़ना जा फिर दे भाई और किसे दी हैगी उन्होंने बिल्कुल उवें इसे ते बीजी हुई है जिस तरह जा फिर जेड़ना बीजदा हैगा सी की चीज़ है अच्छा जेब अली कह रहे आप जेड़ना इतों अम्मी जेड़ना लकड़ा उन्होंने को मंगिया सी लेकिन मंगिया सी उन्होंने कहा भी चुक लिया तो बाद फिर जेड़ना समूल असल इन्हों का मालिक लकड़ा का फिर उन्हें जेड़ना इजाजत नहीं दी तो अस बिल्कुल जेड़ना नहीं चुकिया सी इत भाई उन्होंने जेड़ना सुतं है आ जाओ जेब अली कह रहा सोटा एक बना तो सोटे न की करना हाँ खेडन वास्ते कह रहा नहीं बनाना आ जाओ आप जेड़ना चलने भाई और काफ़ी सारी माशल जेड़ना मक्की हैगी करके पी जा फिर अली पहुँच गया पठिया बिल्कुल इतों लंघा के रेहड़ी उत्ते जेड़ना चली जाती दो तीन टक लगे होने एक आ टक लगा खुद एक जा फिर परली साइड तू एक आल फिर अली लैत आया सानू नाल लेकिन दातरी जेड़ी ना हिक्का ही चुक लिया कह रहा मैं याद ही कोई नहीं रहा चल मैनू है भी तुम जेना मैं वड्डी जावगा तुम जेना छेल बना लिया
ते सब तो पहले जेना आप ही किया इस जेना पट्ठे वाड़ ले हाँ मैनू मैं तो दुकान तू आके जा गाहक आया करो तू जेना सिरकता दे मैं जेना सिरकता देन ओंगियां ते ए दंद दिखाए भी हैं नहर ते चाड़िया असी मम्मा सैन जेब ली सारे जेने तो मैनू हैगी सी जा फिर जेना चुक लिया दस रही लेकिन जा फिर बिल्कुल नहीं चुकी आपे ही हूँ जेना वड्डेगा तो पता जेना लगेगा क्योंकि पट्ठे जेना इस टाइम काफ़ी ठंडे ठंडे हवा ही जेना चेक करो किन्नी तेज़ जेना जेना चली हुई अल्लाह पाक जेना खैर करे सर्दी मजीद जेना अगे तो अगे जेना ठंडी जेना ज़्यादा समोलो जेना वाद रही है इवें हाँ बहुत ज़्यादा हवा चली हो पट्ठे तुम देखो किन्नी तेज़ तेज़ जेना खेल रहे हैं हाँ जी हवा चली हुई हो तो उन्दे ना जेना सर्दी ज़्यादा महसूस होंगी है जी अगर हवा वगैरह कोई ना चली हुई ना फिर समझ लो जेना काफ़ी सारा जेना फर्क पै जाता सर्दी जेना घट हो जाती है बाकी अल्लाह सुन खैर कर रात भी बैठे तो रहने ते पर अबे दी जेड़े ने तबीयत रात नु जेड़े ने बहुत ही ज्यादा जेड़े ने हां अबे दी होनी मैं देखी आ बिल्कुल जेड़े ने सिस्टर ही आई हुई है ने ते असि दोवे जेड़े ने बैठे रहे हां अबे जी शुगर आ शुगर का कोई मसला बनिया करो तो शुगर चेक कराई कह रहे हैं इन ज्यादा जेना वधी हुई नहीं हूं अबे जी जेना कमजोरी बहुत ज्यादा जेना हो गई अगे अब्बा जी तुसी वेखदे ने चलते फिरते तो काफ़ी सारा घट ही है कैसे लेकिन ये आज थोड़ा बहुत जेना आप दे आप चल लेंदे हैं लेकिन हूँ जेना नहीं उस जेना चलिया नहीं जाता तो इन शाला जा फिर अली मेरी दिल हैगी आप ही इस तरीके जिस तरह हूँ आ भाई और जेना मुल लेने न पट्ठे इस तरीके ही एक जेना चलो किला ना सही तो अदवाड़ा जेना ना वो आला दिल हैगी भी ठेके तो लवेंगे गंदम जेना वो बीज दी जाए इस तरह जेना अगर पट्ठे ही बीज दे भी है थोड़ तेरह चौदह हज़ार तो बारह हज़ार तो इस तरह जेना सेल हो रहे हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगे जेना इतने गड्या गडाया अदवाड़ा सामू गंदम का जेना सेल होया साठ हज़ार का मिले जा फिर हाँ साठ हज़ार इस मिले बिलो देबू ने लिया क्योंकि हूँ माशाला उन्हें गंदम जेना काफ़ी प्यारी खड़ी हुई इस तरह समूलो अगर मिल जाए ना तो गंदम बन जाएगी तो तूड़ी जेड़ा ना मझा वास्ते वह वाली जी जमीन वगैरह बंदा जेना मिल जाए ना तो औखी सौखी होके जेना लै लवीवे फिर समूह लेंदे जेना बच्चा ती बच्चा तो आस्ता 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 बंदा जेना अगे अगे कामयाब होता जाता क्योंकि आई हूँ समझ लो फसल हैगी ये जेना सेल करके तो इन्दे जेना अद्धे पैसे लगन गए दोबारा फिर जेना फसल तैयार हो जासी चाहे इन्दे च मक्की बीजो चाहे धान बीजो चाहे जो चीज़ ही होर उत्तू जेना समझ लो चारा बीज लो मक्की जेड़ा ना समझ जेनी वह वाली देसी जेना बीजो ना तो वह वाली जेना सेल काफ़ी सारी जेनी महंगी हो जाती अगर दूसरी ज्वार बीजो वो वाली भी समझ लो काफ़ी सारी वह भी सत्त अठ हज़ार तो दस हज़ार तो जिन एक कनाल जेना सेल होंगी ते कदे ना कदे किधरों ना किधरों अगर मिली ना तो इंशाल्लाह औखी सौखी होके जेना बार लाजमी जेना लवेंगे अजे थोड़ी तो बिल्कुल इतने जेना किसी ने नहीं किया क्योंकि अगे जी मिली सी ना उस वक्त बिल्कुल साढ़े को हजे थोड़ी कह पैसे तो नहीं ने लेकिन बिल्कुल जेना उस वक्त फिर बिल्ली और अब्बू को जेना पैसे है उन्हें जेना लै ली चलो उनके छोटे छोटे बच्चे है चलो असी तंदूर बना लें कोई थोड़े बहुत जेना तंदूरों लवा जाते हैं कोई थोड़े बहुत असी जिन्हें क्यों जेना मुल ला के रख लें क्योंकि गंदम गार दी हो समझ लो फिर टेंशन कोई नहीं होता बंदा जेना मिर्चा कुट के खा लेंदा धनिया चटनी बना ली लस्सी बना ली जो चीज़ या बस सिर्फ मसला होंदा गंदम का अगर गंदम जेना गार दी हो ते टेंशन जेना खत्म होंगी ते टेंशन हूँ थोड़ी जी बन रही है क्योंकि एक मन सिर्फ रह गया दाणिया का उन्हां दी टेंशन बन रही है जा फिर अली मैं जेना अज तो हूँ तेन काट के दिते ने बाकी हिक्का ही अपनी पीनी बननी अज तरी गंदम जेना ना छोटी छोटी आ बिल्कुल इवें गल हाँ बिल्कुल अल्लाह सोना देवेगा क्योंकि जेना गंदम साढ़े को बिल्कुल जेना खत्म नहीं होंगी आई क्योंकि भाई मिस्त्री और फिर दो तीन महीने जेना लगे रहे सारे पिंड भी देखते होने असं जेना रोटी फिर उन्होंने जेना बिल्कुल अच्छे तरीके ने देंदे असें बिल्कुल ये नहीं भाई एक एक रोटी दे दी दो दो जिन्नियां चावन वो जेना खा दस पंद्रह रोटियां जेना भाई मिस्त्री और दिवदियां वो समझ जेन डबल तो ट्रिपल जेना साडा नाल दे नाल जेना खर्चा होने लगे दसा दिन बाद समझ लो मन डेढ़ दाणियां दा जेना आटे का खत्म हो जाता
तो कोई ना अल्लाह पाक का शुक्र आ, अल्लाह पाक ने बिल्कुल या फिर अली गल सही आ, उन्हें पैदा किया वो जिड़ना रोजी सोना रब जिड़ना जरूर देगा, क्यों किसी घर को जिड़ना पुछिए दसीए जगर मिल जाना, क्योंकि आटा जड़ा ना आटे च कोई फायदा नहीं, क्योंकि आटा जो अगर मुल भी लवीए ना तो उन्दे चना जो फायदा नहीं, अगर गंदम होवे ना तो उस मुल आप बंदा साफ सुथरी करके जो पिला लेंदा तो उन्दे फायदा, जे अगर आटा जो चक्की तो लवीए तो वह मिलावट करके जो इवें गल जा फिर वो मिलावट करके जो थोड़ा बहुत जो बाजार ही आटा जो हाँ जी बिल्कुल। तो आप जाना किधरों किधरों जा फिर तो नू कहगी तो मैं भी जाना किधरों किधरों पूछागी घर चो अगर जेना मिल गया चलो माण माण ही ले रखा, जो अगला माण जेना खत्म हो गया दूसरे माण की फिर जेना कोशिश की नाल जेड़ो वाले, क्योंकि हूँ असी जेना माण पिलाई करिए ना साढ़े 15 दिन तकरीबन जेना पै जाते हैं, क्योंकि सारे बहनों ही ताकेंगे जेना 15 दिन सिर्फ जेना माणना पैंते हैं, क्योंकि होर चीज़ तो बिल्कुल इतने जेना समझ खाण कोई ना, जेना साढ़े बच्चे फ्रूट खाते हैं खाते क्या लिया ही कभी नहीं, एवं झूठ बोलीए खा तो लेंगे ने तो लेकिन असी जेना बिल्कुल जेना लाए कोई नहीं आने, तो सिर्फ सिर्फ जेना रोटी खाते हैं, क्योंकि हूँ ही नाश्ता बनाया फिर थोड़ी देर जेना अगर जेना जो चाय बनानी आ उस वक्त अगर भी किसी बच्चे ने आखना भी मैं जेना रोटी चाहिए नाल जेना भुख लगी उस वक्त बन शाम फिर जेना रोटियां बनानिया, रोटी तो इलावा जेना समझ होर कोई जेना बच्चे साढ़े आने जेना सारा फैमिली समझो 6 बन जाने माशाला बच्चे ज व्डे व्डे है या फिर अली मैं दो रोटियां समझ लो खाने वाले ने है ने एक एक रोटी चलो बच्चों की कल फिर भी जेना 6-7-10 रोटियां जेना बन जाने, तो कोई ना अल्लाह पाक जेना खैर करेगा इस साल जेना ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करांगे तो होर मजीद जेना अगे मेहनत करके ज़्यादा जेना तंदूर बनावांगे, तो जो अल्लाह पाक ने रोज़ी रखी लिखी आ फिर वो तो उन्हें जेना देनी देनी आ, तो आप जेना जा फिर अली हिकत की करिए दिल जेना बिल्कुल इतों जेना जा फिर अली जाएगा तो उत्थे जेना पट्ठे पुट्ठे समूह लो कुतरेगा पाएगा फिर अब्बे जी तबीयत समूह लो ठीक नहीं है ना बुलाई रखदा मेनू ही बुलाई रखदा है हां जी अच्छा करदा है तो बिल्कुल जेड़ा ना मैं कोई उस हां जी कर रहा हूं ना ज्यादातर दूसरे भाई जेना ना बाहर कारोबार ते जेना निकले रहंदे ने ते तां दी पार समूह लो ज्यादातर जा फिर अली घरे रहंदा तो फिर नाल जेना जा फिर बाई आएगा वो समूल अपने जेना समूल होंगे काफ़ी सारे जानवर है उन्होंने समूल जेना होंगे डंगर काफ़ी सारे उन्होंने रुझा रहा तां पर जा फिर अली अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा तो अल्लाह पाक जेने इनका सिला जेना जरूर देगा बिलकुल बिलकुल शुरू ला तो जा फिर अली ज्यादातर अबे जेना समझ लो खिदमत वगैरह ज्यादा करता अल्लाह पाक मैं तो कह रही हूँ इस तू ज्यादा अब तुहाडा माँ बाप हैगा मैं तेनू यही कहती रहनी हाँ हर चीज़ दुनिया की मिल जानी हाँ लेकिन माँ बाप एक बार दुनिया चला जाए ना तो बिल्कुल जेना नहीं मिलता तो अल्लाह पाक तेनू अंदाजा जेना जरूर देगा जिस तरह तुम अपने जेना बाप की खिदमत कर लो तो अम्मी जी तो माशाल्लाह अजे तोरी बिल्कुल सेहतमंद हैगी अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे उन्हें जेने इस तरह सेहतमंद रखे तो अबे जी वास्ते दुआ करनी अल्लाह पाक उन्हें इस तरह सेहतमंद पहले तरह कर दे ठीक ठाक कर दे क्योंकि सानू तो उन्होंने घरें बैठे हो जेना समझ लो कि सहूलत है वो फिर सानू बहना बही नहीं पता उसी जिन्हों के माँ बाप उन्होंने सिरां ते सलामत है ना उन्होंने पता हों तो जिन्हों के इस दुनिया जेना टोर गए ने उन्हों तो कोई पूछ वेखे भी जिन्हों के माँ बाप नहीं है ने माँ बाप की चीज़ होंगे ने तो अल्लाह पाक मैं तो सारे भैन भाइयों वास्ते दुआ करनी हाँ अल्लाह पाक सारे दे माँ बाप जेना उन्हों का साया पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों जेना रवन की अल्लाह पाक जेना तौफीक दे सारे सलूक दे जिन्हें कि है मेरे भैन भाई वेखण आए चावन आए तो अल्लाह पाक जेना जो भी दुनिया तो इतों जेना टुर गया जिंदा माँ बाप अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल फिरदौस जगह ता फरमावे हाँ जी क्योंकि माँ बाप एक दुनिया का वखरा मेवा होंदा है ना पट्ठे चक के लाद लैनिया तो मम्मा सैन देनी जेना मोबाइल उत्थे जेना मम्मा सैन वो बैठा जेब वाली होंगे जेना पिछे पिछे जा रहा अगे जा फिर अली कह रहा तू बार बार कह रही सर्दी मैं क्या सर्दी जेना ना यही उन्नी की करिए हूँ जे नाल हवा चली खड़ोती मैं कह रही मेरे तो खड़े खड़ी जे दरकार पाए खड़ोते बार बार सर्दी कह रहे ने सर्दी जेड़ा ना सारे बहन भाई वेखते पेने भी की हाल हो पे बिल्कुल लाल हाथ हो पे इधरों वेखो अजे तो मैं सिर्फ जेना कैमरा फड़िया होया तो जा फिर जेना जा फिर हाथ दिखाई किन्ने लाल सुरख जेना हो जाते ने ठंडे होके क्योंकि बिल्कुल ठंडे पट्ठे है रात में इन्हें जेना समझ लो कोहरा वगैरह जेना पैंता
ਤੇ ਆਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹਣ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਆਰ ਪਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲ ਕੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਕਈ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਮੰਮਾ ਸਹਿਨ ਦੇ ਕੰਪਾਠ ਪਏ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ। ਮੰਮਾ ਸਹਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬਣ ਪਈ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਫੇ ਸੱਲਾ ਨਿਗੇ ਬਾਨ ਉਹ ਜੇ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕਾ ਫੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।